हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन टेक्निकल कम्युनिकेशन। सो इस लेक्चर में हम टेक्निकल डिस्कोर्स और फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल डिस्कोर्स और टेक्निकल राइटिंग के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल डिस्कोर्स क्या क्या हो सकता है और टेक्निकल राइटिंग हमें करते वक्त क्या स्टेप्स ध्यान में रखने चाहिए, वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल डिस्कोर्स से। सो टेक्निकल डिस्कोर्स से स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डिस्कोर्स का मतलब बेसिकली अगर हम देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि अ लॉन्ग एंड सीरियस डिस्कशन ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ स्पीच और राइटिंग। किसी भी विषय पर गंभीर चर्चा, भाषण या लेख एक तरीके से हम कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यूज ऑफ लैंग्वेज इन स्पीच एंड राइटिंग इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मीनिंग लैंग्वेज दैट इज स्टडीज यूजुअली इन ऑर्डर टू सी हाउ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट आर कनेक्टेड। तो बेसिकली लिखित और मौखिक माध्यम में भाषा का सार्थक प्रयोग हम इसको कह सकते हैं। किसी पाठ अनुच्छेद के विभिन्न अंशों की संबद्धता का अध्ययन। सो हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकल डिस्कोर्स का मतलब यह है कि किसी भी भाषण और किसी भी मौखिक और लिखित भाषण को जब हम करते हैं तो उसको टेक्निकल डिस्कोर्स कहते हैं। अब टेक्निकल डिस्कोर्स कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उसमें आता है मेरा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में जैसा कि नाम से हमें पता चलता है कि यहाँ पे हम किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी सेटिंग को, किसी भी थॉट को ऑडियंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखो डिस्क्राइब मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना। ठीक है, उसको अच्छे से बताना, विषय को गंभीर रूप से बताना, समझाना, एक तरीके से हम उसको डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब सम कॉन्सेप्ट, सेटिंग, थॉट टू द ऑडियंस। ओके, दिस इज अ फॉर्म ऑफ टेक्निकल डिस्कोर्स जहाँ पे टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब सम कॉन्सेप्ट, सेटिंग, थॉट टू द। ठीक है, सो बेसिकली इस टाइप में क्या होता है कि हमें हर एक चीज के पीछे क्या सेंस छुपा हुआ है उसको समझाने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो दिस टाइप इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग समथिंग इन रिलेशन टू द सेंस, डिस्क्राइबिंग समथिंग इन रिलेशन टू द सेंस। ओके, एक मिनट, डिस्क्राइबिंग समथिंग इन रिलेशन टू द सेंस। सो नेक्स्ट पॉइंट इफ यू सी इट इज दैट enables the audience to develop a mental picture of what is being discussed. So basically इससे हमारे audiences के पास में एक मानसिक एक पिक्चर बन जाती है दिमाग के अंदर कि क्या इवेंट्स हो रहे हैं और उसको उसे समझने में आसानी होती है। सो इन दिस फॉर्म ऑफ टेक्निकल डिस्कोर्स इट एनेबल्स द ऑडियंस टू डेवलप अ मेंटल पिक्चर ऑफ व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। अगला हम टेक्निकल डिस्कोर्स के फॉर्म में देखते हैं वो है नरेशन। तो नरेशन जैसा कि हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि नरेशन मतलब किसी भी चीज़ को मौखिक रूप से बोल के बताना और किसी भी इवेंट को बता रहे हैं जिसको हम किसी भी एक टाइम फ्रेम में, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कि आज ये प्रेजेंट है, पास्ट में ऐसा है, फ्यूचर में ऐसा होगा, जब हम उसे बताए जा रहे हैं ऑडियंसिस को, उसको हम नरेशन कहेंगे। सो बेसिकली The main purpose and distinguished factor of this writing is to explain some concept. So, किसी भी concept को according to the given time sequence, एक given time sequence में हम बताते हैं तो उसे हम narration कहते हैं। जैसे कि आप कई फिल्मों में आपने देखा होगा शुरुआत में आता है तो story को narrate किया जाता है कि कई साल पहले ऐसी बात हुई थी, अब ये हो रहा है, फिर आगे आने वाले साल में क्या होगा। तो बेसिकली किसी एक टाइम सीक्वेंस में हम किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने की जब कोशिश करते हैं उसको हम नरेशन कहते हैं। सो द नरेशन इज नथिंग बट द मेन पर्पस एंड डिस्टिंग्विश फैक्टर ऑफ दिस राइटिंग इज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम सीक्वेंस। अगला हम बात करते हैं पर्सुएशन। देखो पर्सुएशन का मतलब ये होता है कि
हम अपनी बात को कैसे दूसरे से मनवा लें, अपनी पावर से, अपने बोलने की शक्ति से कैसे उसको दूसरे को मनवा लें। तो बेसिकली इसमें लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं कि आपके इमोशंस का यूज़ करेंगे, किसी तरीके से वो आपको एक कह सकते हैं एक शब्द जाल में आपको फंसा देंगे। आपको लगेगा कि ये बात जो कह रहा है वो सही है और आपको वो बात मान लेनी चाहिए, तो आपको वो इमोशनली पर्सुएड करेगा अपनी बात मनवाने के लिए, तो उसको हम पर्सुएशन कहते हैं। सो द मेन पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज टू इन्फ्लुएंस अ रीडर टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, पर्सुएसिंग राइटिंग डज दिस मेनली बाय अपीयरिंग टू द रीडर्स इमोशन। इन दिस टाइप ऑफ राइटिंग यू मे फाइंड द यूज ऑफ इमोशनल वर्ड्स, फिगरेटिव लैंग्वेज, ओपिनियंस एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि पर्सुएसिंग राइटिंग में हम लोग इमोशनल वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करते हैं और अपनी ओपिनियंस का यूज करते हैं, इस तरीके से कि जो रीडर है या फिर जो ऑडियंस है उसको हम अपनी बात मानने पर विवश करते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम। अगला पॉइंट इज कि आर्ग्यूमेंटेशन। आर्ग्यूमेंटेशन भी लगभग पर्सुएशन जैसा है, लेकिन यहाँ पे हम किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ में अपनी बात को बनवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी हम बात को मनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे इमोशंस का यूज करने की वजह हम इसको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से चीजों को बताने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम आर्ग्यूमेंटेशन कहते हैं। द मेन पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज टू कन्विंस और इन्फ्लुएंस द रीडर टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आर्ग्यूमेंटेशन होगा। तो रीडर ऑलवेज एक्सपेक्ट अ स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग। तो रीडर होता है ना, वो हमेशा ये चाहता है कि आपके राइटिंग में क्या तथ्य है, क्या प्रमाण है, तभी तो वो उस राइटिंग को सही मानेगा। तो टू कन्विंस देम बाय प्रेजेंटिंग देम स्टेटिस्टिकल एंड साइंटिफिक डेटा। तो राइटर्स यूजुअली उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं बाय शोइंग देम सम स्टेटिस्टिकल और साइंटिफिकल डेटा। अब हम बात करते हैं टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस की। देखो, टेक्निकल राइटिंग में प्रोसेस को पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें जान लें कि बिगिनिंग टू राइट मे बी हार्ड टास्क फॉर मोस्ट पीपल एज आइडियाज कम इन अ मिक्स्ड अप फॉर्म इन अ डिसऑर्डरली मैनर। तो जब यूजुअली हम कोई चीज लिखना शुरू करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि सारे जो आइडियाज हैं वो इस तरीके से डिसऑर्डर मैनर में आते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या लिखें, और हम चीज़ों पे स्टक हो जाते हैं और कई घंटे हमारे बर्बाद हो जाते हैं। तो बिगिनिंग टू राइट मे बी हार्ड वर्क टास्क फॉर मोस्ट पीपल एज आइडियाज कम इन अ मिक्स्ड अप फॉर्म इन अ डिसऑर्डरली मैनर। इन ट्राइंग टू गेट स्टार्टिंग मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स कम इन टू माइंड लाइफ लाइक सच एज कंटेंट, स्टाइल, ग्रामर एक्सेट्रा, एंड मे बी डिफिकल्ट टू कोप अप विद देम ऑल एट द सेम टाइम। तो जब हम लिखने के लिए सोच रहे हैं तो हमारे दिमाग में काफ़ी सारे आइडियाज हैं वो एक साथ आते हैं और डिसऑर्डरली फैशन में आते हैं, जिससे कि हमें सोचने में दिक्कत हो जाती है कि हम कंटेंट के बारे में सोचें या स्टाइल के बारे में सोचें या ग्रामर के बारे में सोचें, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। सो इन ऑर्डर टू सीक गाइडेंस, तो एक पथ निर्धारित करने के लिए और विश्वास को जगाने के लिए, इन ऑर्डर टू सीक गाइडेंस एंड टू एक्वायर कॉन्फिडेंस, राइटर क्या होता है, राइटर विल फाइंड इट यूजफुल टू स्पॉट सम काइंड ऑफ सिस्टमैटिक एंड इंटीग्रेटिव अप्रोच विच टेक्स इन टू द कंसिडरेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग। तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच को हम और इंटीग्रेटेड अप्रोच को हम यूज करेंगे जिससे कि हम अपनी राइटिंग को और सुधार सकें। The integrating approach on one hand takes into account the linguistic knowledge about the text, grammar structure of the text and appropriate use of vocabulary as well as the pattern of information. ठीक है, तो जो integrative approach है उसमें हम लोग एक साइड में तो लैंग्वेज भाषा के बारे में सोचते हैं, दूसरे बार उसके टेक्स्ट के बारे में सोचते हैं, ग्रामर के बारे में सोचते हैं, स्ट्रक्चर के पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में सोचेंगे। तो इट बिकम्स हेल्पफुल टू प्रोड्यूस वेल रिटन राइटिंग टेक्स्ट ऑन अनदर हैंड, और इस तरीके से हमारे पास में ये हमें हेल्प करता है कि हम एक वेल रिटन टेक्स्ट को यहाँ पे जनरेट कर सकें।
The interrogative integrative approach also pays attention to the writing skills on the stages involved in the writing. तो ये हमारी बेसिकली राइटिंग की जो स्किल्स है उन पे भी फोकस करता है. A new writer should be made aware of the writing process which consists of planning, drafting and revising. तो जो भी न्यू राइटर है उसको इस प्रोसेस के थ्रू, राइटिंग के प्रोसेस के थ्रू अवेयर किया जाना चाहिए, जो कि है प्लानिंग, ड्राफ्टिंग और रिवाइजिंग. फाइनली दिस अप्रोच ऑल्सो नीड्स सोशल कंटेंट, कंटेक्स्ट, द पर्पस एंड ऑडियंस टू होम द डॉक्यूमेंट इज एड्रेस टू. तो बेसिकली लिखते वक्त तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस ऑडियंस को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कंटेक्स्ट है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान में रहनी चाहिए. तो फाइनली दिस अप्रोच ऑल्सो नीड्स द सोशल कॉन्टेक्स्ट, मेनली द पर्पस एंड ऑडियंस टू होम द डॉक्यूमेंट इज एड्रेस्ड टू. वी जनरली वीव द राइटिंग प्रोसेस इन थ्री मेन स्टेजेस. दिस स्टेजेस आर एज फॉलोज. तो बेसिकली हम राइटिंग को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, और वो तीन भाग ये हैं. पहला हो गया मेरा प्री राइटिंग. प्री राइटिंग में हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को लिखने से पहले हम उसमें काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, समय को इन्वेस्ट करेंगे और सोचेंगे कि हमें किस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को लोगों को बताना है, कि एक्यूरेट मैनर में हम किस तरीके से अपने चीज़ों को लोगों को बताना चाहेंगे. हम ये देखेंगे कि हमारी ऑडियंसेस क्या हैं, कैसी हैं, फिर हमारा टोन एंड स्टाइल कैसा है, कैसा हमें यूज़ करना है, और हम इन्फॉर्मेशन किस तरीके से गैदर करने वाले हैं, और कैसे हम अपने आर्टिकल को आउटलाइन करेंगे. सो बिफोर बिगिनिंग टू राइट इन्वेस्ट सम टाइम इन प्लानिंग टू राइट एंड हाउ टू कन्वे द इन्फॉर्मेशन इन एन एक्यूरेट मैनर. इन ऑर्डर टू डू दिस वी कंसिडर ए पर्पस एंड ऑडियंस, बी टोन एंड स्टाइल, सी गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन एंड डी आउटलाइनिंग. ओके, सो दिस वॉज प्री राइटिंग. राइटिंग में हम सारी इन्फॉर्मेशन जब एक बार गैदर हो चुकी है तो हम अपना एक फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा पैराग्राफ डेवलपमेंट कैसा है, और पैराग्राफ डेवलपमेंट में कोई तालमेल हमने सही तरीके से बिठाया है नहीं बिठाया है, और हम उसको बार बार रिवाइज करके ये देखते हैं कि हमने सारे एस्पेक्ट्स को कवर अप किया है या नहीं किया है. सो राइटिंग वंस द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, बिगिन राइटिंग अ फर्स्ट ड्राफ्ट. एट दिस स्टेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द मेन पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, पैराग्राफ डेवलपमेंट एंड कोहरेंस, रिवाइज and consider all the aspects. Next is post writing. The final stage of writing process includes, जो आखिरी स्टेज होता है राइटिंग प्रोसेस का वो क्या क्या इंक्लूड करेगा, हमें एक तो अपने कंटेंट को रिवाइज करना है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, फिर हमें ये देखना है कि कहीं पर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं, फिर हमारा एडिटिंग हमें करना है, कहीं पर भी कुछ मिस्टेक हो उसको हमें एडिट करना है, और स्टाइल के बारे में सोचना है कि हमने किस तरह का स्टाइल यूज़ किया है, और उसको बार बार पढ़ना है, लोगों से उसको चेक करवाना है, और इस तरीके से हम अपने आर्टिकल को और बेटर बना सकते हैं. द फाइनल स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स रिवाइजिंग द कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, चेकिंग फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, एडिटिंग एंड स्टाइल, प्रूफ रीडिंग एंड पीयर रिव्यू. दीज स्टेप्स, ये स्टेप जो बेसिकली हमें हमारी जो भी इनकंसिस्टेंसी है राइटिंग में उसको दूर करने में हमें मदद करेगा. These steps will help you to spot any inconsistencies so as to produce a flawless final version. Some of the benefits that can be obtained from adopting this process approach are outlined below. तो इससे जो जो advantages, जो जो benefits होने वाले हैं उनको हम इस तरीके से कहते हैं कि सबसे पहले it helps the writer to overcome blank page syndrome and therefore get started. तो कई बार क्या होता है जब हम लिखना कोई भी राइटर चालू करता है, फिर हम लोग कुछ भी लिखना चालू करते हैं, तो एक पेज लिखने के बाद में हम सोचते हैं कि भाई अब हम आगे लिखें क्या, क्योंकि हमारे पास में कोई दिशा निर्धारण करने वाला कोई गाइडेंस नहीं है. तो लेकिन अगर मैं इस राइटिंग प्रोसेस को सही तरीके से निभाऊं तो यहाँ पे ये मुझे एक दिशा निर्धारित करने में मेरी सहायक होगा. It helps the writer to overcome blank page syndrome and therefore get started. It serves the writer as a guide for, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये राइटर को
के लिए, एक गाइड के लिए, एक दिशा प्रेरक के लिए मदद करता है, जिससे वो चीजें अच्छे से लिख सके. सिंस इट सजेस्ट पॉसिबल स्टेप्स टू फॉलो इन द राइटिंग प्रोसेस. ये राइटर को अपने पर्पस, अपने ऑडियंस के साथ जोड़ने में बहुत मदद करता है, और ये उसको जानने में मदद करता है कि वो किस मकसद से अपने ऑडियंस के लिए ये चीजें लिख रहा है. इट मेक्स द राइटर अवेयर ऑफ द पर्पस ऑफ द ऑडियंस. इट प्रमोट्स द अवेयरनेस ऑफ द राइटिंग प्रोसेस. तो ये राइटिंग प्रोसेस की जागरूकता को भी फैलाता है. इट encompasses different learning styles and preferences. So different learning styles और preferences को encompass करता है. So इस lecture में हमने देखा कि forms of technical discourse क्या होता है और technical writing के basic process क्या होते हैं. तो इस lecture के लिए इतना ही. तब तक के लिए धन्यवाद. Thank you. Thank you very much.